फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस कि सब लोग ठीक होंगे। हम मैं भी ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ की वजह से। तब सब लोगों का स्वागत है मेरे एस एस टी फैमिली ब्लॉग पे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देर नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। खाना हो गया मेरा, उसके बाद बाबू अब भी पढ़ाई करने बैठा है। सो ये देखो, मैं पढ़ाई करने बैठा है। ये पता नहीं कि उल्टा दिखता है। और रात का जो जो कि है चावल था, और कल चिकन बना है। कल मैंने वीडियो मतलब नहीं किया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिलहाल मैं अभी जस्ट बैठी हूँ, और पूजा भी करना हो गया, मेरे गोपाल जी भी हो गया, सब काम धाम हो गया। रात का चावल है, बस आलू का भुजिया बना रही हूँ मैं, और उसे खाएंगे, उसके बाद दोपहर में खाना बनाएंगे। तो चलिए तब तक आप लोगों के साथ बाद में फिर बात करती है। सो है फ्रेंड्स, गर्मी में हालात एकदम सब खराब हो गया, मतलब पूरा पसीना पसीना हो गया, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा से पोंछना मुझे। इतना ऊपर पंखा चल रहा है देखो, तब भी इतना ज़्यादा गर्म है ना, पूछो मत। और गाइस आज ना हम चावल एकदम कम बैठाए, मतलब कल चावल ठीक बैठाए थे, तब भी मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर चिल्लाया, इसलिए आज मतलब था मेरा कि कम बैठाने के लिए, तो आज कम ही बैठाए हैं चावल। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बना क्योंकि कल रविवार था, तो कल मैं वीडियो शूट नहीं किया, आप लोगों को बोल चुकी हूँ पहले। और उसके बाद जो कि है चिकन बना था, और उसके बाद सुबह बना था लूची और आलू तरकारी बना था सुबह, और रात को फिर स्नैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा खाना हो गया, तो इसलिए बाबू प्रसादी देने आए हैं। तो इसलिए गाइस मतलब बहुत ज़्यादा खाना हो गया, मतलब रिच बहुत ज़्यादा हो गया था, और गर्मी में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए गाइस मतलब आज जो कि है मतलब एकदम सिंपल खाना बनाया है हमने। और जो इसको क्या कहते हैं पता नहीं मुझे हिंदी में, लेकिन बंगाली में क्या कहते हैं इसको, धुंधुल बोलते हैं इसको बंगाली में। तो उसका आलू के साथ एक सब्जी बनाया था, और आलू का भुजिया बनाया था, और कुछ नहीं। और रात में मतलब ये मतलब दोपहर के लिए, और रात में जो बनेगा बनेगा, तो देखते हैं गाइस। तो फिलहाल मैं मतलब कुछ मारा हुई थी, इधर भट्टी हुआ है, मतलब एक गुरुश हो गया है और एक गुरुश होना बाकी है। और मेरा सोनू का भी हालात एकदम सा ख़राब हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ गया है ना, मतलब पूछो मत। और उस एक दिन नहा भी दिए थे सोनू को, और मतलब वो मतलब एकदम रिलैक्स फील कर रहा था। तो और एक दिन नहा देंगे, मतलब अकेला जब होता है ना मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि गाइस जो कि है मतलब डर इसलिए लगता है, कान में किसी तरह पानी चल जाएगा ना, तो खरगोश के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए। तो चलिए गाइस फिर बाद में मुलाकात करती है आप लोगों के साथ। ओए पागला शोन, कोथा जाबि घूमने के पड़े। सो फ्रेंड्स, इसी का सब्जी बनाए थे आज, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे। और यहाँ पे जो कि है चावल बैठा दिया है, और फ्रेंड्स ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, और अभी मैं चावल काट लेती हूँ बाबू के लिए। दोपहर हो चुका है, और मेरे हस्बैंड जो कि है अभी तक नहीं आया है, तो बच्चे को खाना दे देती हूँ, दे के उसके बाद सुला देती हूँ, उसके बाद जो कि है और भी काम करेंगे। और गाइस यहाँ पे आलू का भुजिया भी था, तो ये भी दे देती हूँ बाबू को थोड़ा, और खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, तो हम खा लेंगे। और सब्जी जो कि है गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और
तो गाइस यहाँ पे खाना काट चुके हैं, अब जा रही हूँ बाबू को देने। और उसके बाद गाइस जो कि है सोनू को खाना दे दिया है, सिर्फ चावल है और पानी है। दोपहर में थोड़ा सा चावल देती हूँ उसको और ये अच्छा रहता है, हर वक्त घास में डिपेंड नहीं करना पड़ता है हम लोगों को। और यहाँ पे जो कि है रैबिट जो कि है कि चौकी का नीचे एक जगह बना के सोया था, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी जो कि है पड़ा था ना, उसी का वजह से वो जो कि है खाट का नीचे घुस के सोया था और खा भी नहीं रहा था कुछ। और ये रात का सीन है गाइस, तो यहाँ पे और एक रैबिट को हम लोगों ने लिया है, तो उसका नाम रखा है सोनी, और इसका नाम सोनू है और उसका नाम रखा है सोनी। तो आप लोग भी देखिए कैसा है कि कैसा नहीं। और सोनू जो कि है गाइस, मतलब उसको पाके जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे ये जो मतलब बॉक्स है इसका अंदर ही वो उसको रखा है, तो ये देखिए बहुत क्यूटी सा है, एकदम छोटू मोटू गोलू, एकदम पांडा का जब बेबीस होता है तो उसी की तरह लग रहा है। और सोनू उसको खोलने के लिए बार बार इशारा कर रहा था तो मैं समझ रही थी, लेकिन क्या करो कुछ करने वाला है नहीं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, तो थोड़ा एंजॉय कर लीजिए आप लोग वीडियो, मैं थोड़ा गाना ऐड कर देती हूँ, मेरे बक बक सुनते सुनते आप लोग पागल ना हो जाओ। सो है फ्रेंड्स, ये है अगले दिन का सुबह और मैं ये पर एंड कर रही हूँ वीडियो मेरे ब्लॉग को। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो यही पर एंड करती हूँ वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।